कांग्रेस की नई खेवनहार अब तैयार है। मिशन यूपी के लिए प्रियंका गांधी कूच करने वाली हैं। महासचिव बनने के बाद पहली बार यूपी का रुख करेंगे। प्रियंका के स्वागत के लिए लखनऊ सज चुका है। अपने नेता की गर्मजोशी से अगवानी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक बैनर पोस्टर से पाट दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा कल 4 दिन के लखनऊ दौरे पर जा रही हैं। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद होंगे। कांग्रेस की नई महासचिव और पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी के स्वागत में एयरपोर्ट के बाहर बैनर पोस्टर लग गए हैं। इन पोस्टरों में राहुल गांधी के साथ प्रियंका की भी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और नई महासचिव कांग्रेस की जो है प्रियंका गांधी वाड्रा का लखनऊ में रोड शो है, और यहां पर हम दिखाना चाहेंगे एमओसी एयरपोर्ट के बाहर का नजारा है, जहां पर इस समय पूरे जोर शोर के साथ तैयारियां चल रही हैं, बैनर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, पीछे वो देखिए टेम्पो भरकर जो है सामान लाया गया है, जिसके पूरे दोनों सड़क के दोनों तरफ जो है ये भारी भरकम होर्डिंग्स लगाने का काम चल रहा है। यही रास्ता लेकर कल एमओसी से लखनऊ शहर की तरफ बढ़ेगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट से ही प्रियंका गांधी का रोड शो निकलेगा, जो लगभग पूरे लखनऊ होते हुए कांग्रेस दफ्तर तक पहुंचेगा। 9 घंटे का रोड शो करीब 3 दर्जन जगहों से गुजरेगा। हर चौक चौराहों पर प्रियंका का काफिला रुकेगा, जहां वो महापुरुषों की तस्वीरों पर माल्यार्पण करेंगी। प्रियंका गांधी के आने से लखनऊ का कांग्रेस दफ्तर भी सज सवर गया है, रंग रोगन हो गया है, दफ्तर में नया होर्डिंग लग गया है। दफ्तर में नेहरू गांधी परिवार का अक्स भी देखा जा सकता है। बिल्कुल नए लुक में है उत्तर प्रदेश का कांग्रेस दफ्तर, और कांग्रेस कमेटी के इस दफ्तर को किस तरीके से सजाया संवारा गया है उसकी ये वानगी आपके सामने है। इंदिरा गांधी की आदमकद प्रतिमा की तस्वीर है, जो कि आप कांग्रेस दफ्तर में घुसते ही बाएं तरफ देखेंगे। दूसरी तरफ ठीक उनके बाद राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की भी आदमकद जो तस्वीर है वो लगाई गई है, और बकायदा शीशे के भीतर इन तमाम नेहरू गांधी परिवार के तस्वीरों को सजाया गया है। कांग्रेस दफ्तर के अंदर हॉल की तस्वीर भी बदल गई। इसी हॉल में प्रियंका कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, पत्रकारों से बात करेंगी। प्रियंका का कमरा भी ठीक किया जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष के कमरे में अब प्रियंका बैठेंगी, यही वो बड़े नेताओं के साथ सियासी मंथन करेंगी। लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में हम आपको वो कमरे दिखाते हैं जिसका इस्तेमाल प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे। ये एंट्री है, और बताया जा रहा है कि इसमें जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो यहाँ बैठेंगे। साथ साथ जो दूसरा मुख्य कमरा है वो, हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष का है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जब प्रियंका गांधी होंगी तो उनकी रणनीति इस कमरे में बड़े नेताओं के साथ तय होगी। प्रियंका के आने से पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं का लखनऊ आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हरीश रावत और पीएल पुनिया पहले ही मोर्चा संभाल चुके हैं। प्रियंका जी के आने के बाद ये अब आपको एक आंधी के रूप में दिखाई देगा, और इसमें जो है जो लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं, संविधान विरोधी ताकतें हैं, वो उखड़ती भी नजर आएंगी, वो कहीं की कहीं जाती भी नजर आएंगी, और इस उत्तर प्रदेश की धरती से ही ये शुरुआत होगी। उसका बिगुल बजाने के लिए राहुल जी और प्रियंका जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ आ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी राजनीति में कोई नई नहीं है, पिछले 20 साल से बूथ कमेटियाँ से लेकर नया पंचायत कमेटियां बना के, ब्लॉक कमेटियां बना के, ब्लॉक अध्यक्ष बना के, जिले का संगठन और पूरे लोकसभा का संगठन उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, और जिस राजनीतिक कौशल के साथ में उन्होंने रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्र को देखा है। हमारे कांग्रेस जन की ये मांग थी कि वो रायबरेली अमेठी के बाहर भी उस राजनीतिक कौशल का लाभ कांग्रेस को मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी 4 दिन तक लखनऊ में रहेंगी। राहुल गांधी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 दिन बाद ही दिल्ली लौट आएंगे, लेकिन प्रियंका
तीन दिनों तक प्लान यूपी पर मंथन करती रहेंगी। सुप्रिया भरद्वाज के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।